एक स्कूटी से आप क्या क्या कर सकते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आ सकते हैं, दोस्तों के साथ शाम को राइड पे निकल सकते हैं, या फिर रितिका और आकाश की तरह अपनी स्कूटी को एम्बुलेंस बना के 300 से भी ज्यादा जानवरों की जान बचा सकते हैं। और इसी तरह स्कूटी पे जानवरों को रेस्क्यू करते करते इन्होंने दिल्ली के बुराड़ी में एक शेल्टर भी खोल दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया है लाइफ फॉर स्ट्रेज। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तब हम मिलकर डॉग्स को फीड कराते थे और हमें बहुत सारे मैगेट वुंड वाले केसेस मिले और हमने उन्हें बाहर ही उनका ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट किया। लेकिन जब हम दोबारा जाते थे नेक्स्ट डे उनका सेकंड ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉग हमें वहाँ पे मिलता ही नहीं था। हमने सोचा कि इनके लिए भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ये सुरक्षित रहें जब तक ये बिल्कुल ठीक ना हो जाए, क्योंकि मदद करना तो बहुत दूर की बात है, लोग उन्हें अपने घर के पास बैठने तक नहीं देते हैं। रितिका और आकाश ने अपनी सारी सेविंग्स इस शेल्टर को चलाने में लगा दिए, यहाँ तक कि उनके रेस्क्यूड जानवरों की देखभाल में कोई कमी ना आए, इसलिए आकाश उस शेल्टर में ही एक छोटे से कमरे में रहते हैं। सभी को पता है कि इस साल कितनी ज्यादा बारिश हुई है और यहाँ आप देख सकते हो पूरा मिट्टी वाला एरिया है और पूरे ही शेल्टर में इतना ज्यादा पानी भर गया था। हमें पता है कि हमें कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी उस टाइम, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि आगे हमारे जानवरों को यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आए, ना गर्मियों में, ना ठंड में, ना बारिश में। लाइफ फॉर स्ट्रेज में फिलहाल 20 से 25 जानवरों को रखने की क्षमता है, लेकिन वो इसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो एक समय पे कम से कम 100 जानवरों का इलाज कर पाएं।